आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के नाम पे भेज देंगे मेरे पास, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, और आप लोग उस पे कार्य कर पाएंगे। एचआर जी रेफरेंस कोड बहुत ही जल्द आपके संस्था प्रमुख के आईडी पे आने शुरू हो जाएंगे। आज से संस्था प्रमुख के आईडी में ज्वाइनिंग सत्यापन का ऑप्शन आ गया है। जब ज्वाइनिंग सत्यापन का ऑप्शन आ गया, खुल नहीं रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि खुल जाए, जैसे खुलता है तो मैं आप लोगों को उसके लिए प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो बनाकर डाल दूंगी, आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो आप लोग इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपके संस्था प्रमुख हैं, उनके आईडी पे आपके रेफरेंस कोड आने शुरू हो जाएंगे। हेलो नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कल डीपीआई पहुंचे थे अतिथि शिक्षक, और डीपीआई मैडम से बात की है, तो क्या कहना है डीपीआई मैडम का, कब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, कब तक पोर्टल में सुधार कर लिया जाएगा, पोर्टल में कब तक पद अपडेट कर दिए जाएंगे, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई और अल्टीमेटम भी दिया गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा। अगर जल्दी इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भोपाल में एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं अतिथि शिक्षक। तो 12 तारीख तक सभी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, अतिथि शिक्षकों की 12 तारीख तक नियुक्ति कर ली जाएगी, डीपीआई मैडम ने ऐसा आश्वासन दिया है। तो अतिथि शिक्षकों की जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी, जो भी समस्या आ रही है पोर्टल में उसमें सुधार कर लिया जाएगा और अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ रविकांत गुप्ता जी, प्रदेश सचिव, इनका क्या कहना है नियुक्ति को लेकर और डीपीआई मैडम ने क्या कहा है। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे नहीं अपडेट पाने के लिए वीडियो बने रहे। किसी कारण से वीडियो बंद हो गया, इसलिए मैंने दोबारा शेड्यूल किया और मैं लाइव आया। तो मैं बात कर रहा था कि आज क्या हुआ, पहले हम लोग डीपीआई गए, डीपीआई में लगभग 150-200 लोग पहुंचे हुए थे, किसी का कोई काम वहां नहीं हुआ, फालतू में परेशान हुए, पानी में भीगे, वहां के गार्ड अधिकारी सब उन्हें डांटते रहे, यहां जाओ वहां जाओ, अंततः उन लोगों ने मेरे पास पूरे आवेदन फेंके और सबके सब घर चले गए। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, कोई रीवा से, सीधी से, सिंगरौली, सागर, शाजापुर और भी कई अलग अलग जिलों से लोग आए हुए थे, पर किसी का भी कोई मतलब नहीं निकला। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि जो आप लोग फालतू में पैसा बर्बाद करते हो उससे अच्छा है कि आप लोग उससे संगठन का सहयोग करिए और जो भी आपका काम है संगठन करने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो मुझे भेजता है, जिसने मुझे आता है अपने काम के लिए भेजा, वो मैं ये नहीं कहता 100% काम हो जाते हैं, मैं कभी किसी की गारंटी भी नहीं देता, मेरा काम है प्रयास करना और मैं पूरा प्रयास करता हूँ, और जहां तक हो सका है हमेशा मैं सफल भी हुआ हूँ। कुछ कामों में छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग कार्यों में मैं सफल हुआ हूँ और वो काम मैंने करवा के दिए हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि मैं एमपीडीएससी में भी था, आज शाम को 4 बजे के बाद से लेकर 8 बजे तक मैं, भरत बैरागी और रामस्वरूप गुर्जर जी, तीनों लोग हम लोग एमपीडीएससी में थे, और जो ये रिक्त पद की समस्या थी, जिन लोगों ने मुझे आवेदन भेजे थे उनके रिक्त पद की गणना के लिए, रिक्त पद क्यों नहीं आ पा रहे, समस्या कहाँ आ रही है, और मोबाइल नंबर चेंजेस में समस्याएं आ रही हैं, ईकेवाईसी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के जो वहाँ के मैनेजर हैं उनसे चर्चा की गई, उन्होंने कहा कि जल्दी हम इस पे काम कर रहे हैं, आप हमें आवेदन भेजते जाइए और जिनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हम करते जाएंगे। अभी भी समस्याएं ज्यों के त्यों बनी हुई हैं, जो एमपीडीएससी का कार्य है कछुए की गति से चल रहा है, जिस प्रकार कछुआ चलता है धीरे धीरे उसी प्रकार उनका कार्य चल रहा है। 7 तारीख से वैकेंसी ओपन हुई, 8 तारीख को ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और आज जाकर के संकुल प्रचार संस्था प्रमुख के आईडी में ज्वाइनिंग सत्यापन का ऑप्शन चालू कर दिया गया है। लेकिन अभी चालू नहीं हुआ, सिर्फ दिखना शुरू हुआ है, और उम्मीद है कि कल से आप लोगों को जो रेफरेंस कोड के लिए परेशान थे, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वो कोड आपके संस्था प्रमुख के आईडी में ही आएगा, अंततः वो कोड कल से आना शुरू हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोमवार यानी 12 तारीख से स्कूल आप लोगों का कंटिन्यू हो सकेगा। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि कितना जल्दी हो सके, जितना हो सके आप लोगों का जो भी सहयोग है कर सकें, और मैंने आज उनको अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान कल तक नहीं हुआ तो सोमवार को आइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कितनी संख्या पहुंच सकती है डीपीआई, 1 जिले 2 जिले नहीं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, चाहे वो रिक्त पद वाले हों, मोबाइल नंबर, आखिर दिक्कत क्या हो रही है आपको, पूरे साल आप ट्रांसफर करते हो, प्रमोशन करते हो, किसका प्रमोशन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, कोई नियम नहीं, कोने से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। आज यहाँ ये हालत है कि प्राइमरी का टीचर हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, उसको इंग्लिश का ई नहीं आ रहा है, मैथ का एम नहीं आ रहा है, और वो खुद बचते हैं कि मैं क्लास में ना जाऊं, कोई अच्छी शिक्षक हो वो मेरी क्लास ले ले, और जब कल रिजल्ट खराब होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हम और आप होंगे, कहेंगे कि अतिथि शिक्षकों ने रिजल्ट खराब कर दिया, और जिसका भुगतान हम लोग इस साल कर रहे हैं, आज आधा अगस्त निकल चुका, इस सब चीजों को मैंने मतलब प्रमुखता से मैंने कल भी रखा था, आज भी रखा हूं मैंने, कि आधा अगस्त निकल गया, आज कई मीडिया बंधु भी आए थे वहां पे,
आज अब पत्रिका से ना सूत्र से और भी कई बात में मुझे कई लोगों ने कॉल किया कि आप लोग डीपीआई गए थे क्या हुआ, क्योंकि परिहार जी ने मीडिया का जो ग्रुप है उस पर डाल दिया था कि हम लोग डीपीआई में हैं। तो कई मीडिया वालों को मैंने इस संबंध में बताया जाता है, उम्मीद है कल मीडिया में भी आप लोग इसकी चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वो क्या खेल रहा है। हम लोग खेलते हैं व्हाट्सएप फेसबुक, वो क्या खेल रहे हैं अपडेशन। अपडेशन चल रहा है महीनों से, अपडेशन अपडेशन के नाम पे मूर्ख बनाए जा रहे हैं और लोग कितना, मैं समझ सकता हूं आप लोगों की परेशानी, मुझे पता है कि लोग कितना परेशान है, लोग दो दो बजे रात फोन लगा रहे हैं। कुछ तो महान है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं और शायद जो भी है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि क्यों कर रहे हो, मत जाओ घर बैठो। अरे भैया मैं आपके उन लोगों के लिए मैं काम नहीं करता जो सशक्त हो, जो घर से मजबूत हो, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूं जो लोग परेशान है, जो लोग रियल में मानसिक रूप से, सोचो रात के दो बजे फोन लगा के बंदा रो रहा है, कोई पुरुष रो रहा है भैया मेरे परिवार का क्या होगा, कितना प्रिंसिपलों ने परेशान किया है, तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तुम्हारा कार व्यवहार अच्छा नहीं था, मतलब अपने लोगों को सेट करने के चक्कर में तुम्हारा डेट, साला मैं फोन करवा करवा के थक चुका हूँ, कहीं आयुक्त साहब से फोन करवा रहा हूँ, कहीं किसी से, कि भाई आप रख क्यों नहीं रहे हो सर, डेट बीएड नहीं है, कहाँ आदेश हुआ है सर, विदिशा में हुआ, अरे भैया रियो रिजेक्ट तो हो गया, कैंसिल हो गया, फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। मेरा विशेष तौर पर जो अभियान चल रहा है, मेरा मेन उद्देश्य इस टाइम पे है, वो है जो ट्रांसफर और प्रमोशन से बाहर हुए हैं उनको मैं कैसे अंदर करवा लूं, मेरा पूरा फोकस इसी चीज में है, इसीलिए मैं लगातार अनुभव के अंक की भी सरकार से बात कर रहा हूं, अधिकारियों से बात कर रहा हूं कि आप लोग पर एयर 10 अंक जो आपने 25 अंक हमें 18 में दिए हैं उसको आप हटा दो, उसकी जगह पे प्रत्येक अतिथि शिक्षक को 10 अंक पर वर्ष, अधिकतम 100 अंक आप दे दो। इस बात को कल प्रमोद सिंह जी ने मान भी लिया है, इस बात को कल जो प्रमुख सचिव जी उन्होंने भी मान लिया है कि ये ऐसा कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आप इतने ऊपर आ जाओगे कि कहीं भी अगर दोबारा नियुक्ति आपकी होगी और पुराने को अनुभव नहीं पड़ेगा, नहीं भी मिलेगी, तब भी ज्वाइनिंग आपकी ही होगी। मैं लगातार प्रयास में हूं, जो साथी हमारे आप प्रशिक्षित है, भाई एक बात आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं से डीएड बीएड कर लो। कब तक आप लोग इस तरह परेशान होते रहोगे, कब तक आप लोग, भैया हमारा डीएड नियम को बाहर कर दिया, भैया कब तक हम किसी प्रिंसिपल को बोलेंगे। हर वर्ष ये होता है, जब जब ज्वाइनिंग शुरू होती है तो हर वर्ष प्रिंसिपल रोना शुरू कर देते हैं, संस्था प्रमुख रोना शुरू कर देते हैं, तो आप लोग भी डीएड बीएड कर लीजिए। सभी पद ओपन होंगे, आरिफ जी, शेख जी, मैंने कल आपको कहा था कि आप एक बार कमेंट कर दो, बार बार मत किया करो, मैं देख लेता हूं, मैं सबके कमेंट वापस कर रहा हूं, जितने लोग कर रहे हैं सबका देखता रहता हूं, मैं उसी को बात को लेकर बात कर रहा हूं। सभी पद ओपन हो रहे हैं, जिन लोगों ने आवेदन भेज दिए हैं, उम्मीद है कल दोपहर तक उनके आवेदन, उनके जो रिक्त पद हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पूरा कर लिया जाएगा। भाई मैंने बोल दिया ना, जिनका आवेदन आ रहा है उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं लगातार। अब क्यों नहीं खुल रही है, क्यों, हर चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैंने बता दिया ना, मैं जो जितना कर सकता हूं उतना मैं कर रहा हूं, मैं कोई ना तो पदाधिकारी हूं, हाँ, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक लगता है लेटर पैड, एक पद, तो मैंने एक छोटा सा पद लिया सचिव का। सचिव का काम होता है पत्रों को आदान प्रदान करना, फाइलिंग काम करना, लेकिन मैं वो काम छोड़ के मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, ना तो मैं कोई नेता हूँ, मेरा काम है आप लोगों का सहयोग करना, मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की जिसके जिसका हो सकता है वो सहयोग करता है, लगभग लोगों ने सहयोग की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह से इतने फोन मैसेज उठा रहा हूँ, मैं कुछ लोग तो बोल रहे हैं आप किस लिए पैसे ले रहे हो, भाई मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ना मुझे कोई अलग से पेमेंट मिलती है, 4 महीने से मैं भी जैसे आप लोग घर बैठे हो मैं भी घर बैठा हुआ हूँ, सब लोगों की हालत वही है। बहुत जल्द कमलेश जी, बहुत जल्द ये हम लोग प्लानिंग ही कर रहे हैं, आपके बिना कहे शुरुआत करेंगे महापंचायत के दिन, 2 सितंबर का दिन भोपाल देखेगा कि क्या होता है, क्या अतिथि शिक्षक कर सकता है, वो आप लोगों के भरोसे। मैं ये वादा कर रहा हूं कि 2 सितंबर को पूरा प्रदेश देखेगा इस बार की क्या हो सकता है, या तो ये आपको तय करना है कि हम क्या करेंगे, या तो कटेंगे या मरेंगे या लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना। दम है अगर तो सामने आओ, जितने लोगों को लड़ना, हम लोग लिस्टिंग तैयार कर रहे हैं, 1000 योद्धा बना रहे हैं, 1000 के पीछे बाकी रहेंगे, पूरे प्रदेश में टीम बनाई जाएगी, और इसके लिए मीटिंग के लिए भी डाल दिया गया है, 11 तारीख को आप लोग ब्लॉक में मीटिंग करिए, और वो ब्लॉक वाले 15 या 14 अगस्त को मिल करके मीटिंग करेंगे, 16 अगस्त को सब भोपाल पहुंचेंगे जिले वाले, और मीटिंग होगी, 1000 का योद्धा बनाएंगे, 1000 लोगों को काम सौंपेंगे, और सोशल मीडिया में कोई भी प्लानिंग ओपन नहीं करेंगे। आपका जो टीम लीडर होगा उसको हम बताएंगे कि हमारा प्लान क्या है। तो इस बार जो आंदोलन होगा एक महा आंदोलन का रूप लेगा, और उसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं, आप सब लोग सहयोग देंगे, आप लोग ही हमारी हिम्मत हो, आप लोग ही हमारे सब कुछ हो,
बिना आपके सहयोग अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं अकेला मैं हूं, ना पवार जी हैं, ना परिहार जी हैं, ना पीडी खरवाल, कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं। सब लोग अगर साथ में हो तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों के रिक्तियों के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी 4 घंटे हम लोग MPDSC में थे। जो लोग भोपाल आज आए हुए थे उनको पता है कि हमें बारिश में लोगों ने फोन किया, सर मैं आया हुआ हूं, आप आ जाइए, मैं बारिश में भीगते हुए डीपी आई गया। भाई लोग आए हुए हैं, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सका लोगों की हेल्प करने का मैं प्रयास करता हूं। कपिल जी जो प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, कमेंट करने से कुछ मतलब नहीं है। जो प्रॉब्लम है आप लिखित में आवेदन भेजेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस आवेदन पे मैं जल्द से जल्द कार्यवाही करवाऊं। तो जिसको जो भी समस्याएं हैं आप लोग उसके लिए एक आवेदन आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के नाम पे भेज देंगे, मेरे पास व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, और आप लोग उस पे कार्य कर पाएंगे। एचआर जी रेफरेंस कोड बहुत ही जल्द आपके संस्था प्रमुख के आईडी पे आने शुरू हो जाएंगे। आज से संस्था प्रमुख के आईडी में ज्वाइनिंग सत्यापन का ऑप्शन आ गया है। जब ज्वाइनिंग सत्यापन का ऑप्शन आ गया, खुल नहीं रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि खुल जाए। जैसे खुलता है तो मैं आप लोगों को उसके लिए प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो बनाकर डाल दूंगी, आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो आप लोग इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपके संस्था प्रमुख हैं, उनके आईडी पे आपके रेफरेंस कोड आने शुरू हो जाएंगे।